वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केकेआर वर्सेस आरआर राजस्थान रॉयल्स मैच, जो कि आज खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11? क्यों है ये मैच ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छा मैच अभी तक का आईपीएल में? सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये मैच में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। मुझे लगता है कि स्मॉल लीग में आप ना इन्वेस्ट करो सो बेटर होगा, आप ग्रैंड लीग खेलो। मैं इकलौता ऐसा चैनल होऊंगा मुझे लगता है यूट्यूब पर जो फैंटेसी से रिलेटेड है, जो आपको कहता है ग्रैंड लीग में आप खेलो रादर देन स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग में कम आप इन्वेस्ट करो, हर मैच में ना करो, ग्रैंड लीग पर आप फोकस करो। अगर आपने देखा होगा जो भी मोस्टली जो लोग हैं जिनका जो लॉस है वो ऑलरेडी 50,000 या 1,00,000 तक का हुआ है, वो सारे स्मॉल लीग से ही हुआ है इतना लॉस। आप ग्रैंड लीग में आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगती है, और साथ ही साथ अगर आप अपनी स्किल पर काम करें, क्योंकि ग्रैंड लीग में 80% लोग तो ऐसे ही हैं यार जो जिन्हें कुछ नहीं पता है, बस वो एडिक्टेड हैं इसीलिए वो खेल रहे हैं। सो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा अगर आप अपनी स्किल पर काम करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसे कॉम्बिनेशन और ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और किसी ने आपको ये चीज़ बताई भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सो जो लोग नोट्स बनाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं बनाते, मैं चाहूँगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, थोड़ा सा आज काम कर लो। सो मुझे लगता है फ़ायदा होगा अगर आप याद कर सकते हो, ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, वो भी अच्छी बात है वो आपके लिए, क्योंकि थोड़े से कॉम्बिनेशन ऐसे होने वाले हैं जिसमें जो लोग बहुत कम ट्राई कर रहे हैं वो बेस्ट चीज़ होने वाली है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मैच की जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी बेस्ट से बेस्ट विनिंग हो सके। सो राजस्थान रॉयल्स में देखो कोई चेंजेस मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। एक जो है वो है जयदेव उनाडकट का। उनाडकट ने अभी तक बॉलिंग अच्छी नहीं डाली है, और इनकी जगह वरुण एरन आ सकते हैं। लेकिन एक और जो कंसर्न जो राजस्थान का है वो है केकेआर में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बहुत सारे हैं। सुनील नारायण, नितेश राणा, मॉर्गन, ये सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। टॉप फाइव में तीन प्लेयर आपको लेफ्ट हैंडेड हैं, और इनके पास राजस्थान के पास कोई भी ऑफ स्पिनर है ही नहीं। सो एक प्लेयर और है जिसके हम बारे में बात करेंगे, वो भी पिक्चर में आ सकता है अगर मैनेजमेंट इतना सोच रही है तो। नाइट राइडर्स की तरफ से बात करें तो मुझे नहीं लगता इस मैच में कोई भी चेंजेस होने वाला है। पिछला मैच जीत कर आ रही है, और राजस्थान भी पिछला मैच जीत कर आ रही है। सो अभी तक राजस्थान ने जो दोनों मैच खेले हैं वो खेले हैं शारजा में, जहाँ की बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और अगर हम दुबई की बात करें, आज मैच है दुबई में, दुबई में जो दोनों सुपर ओवर हमें देखने को मिले हैं वो दुबई में देखने को मिले हैं, और स्पिनर्स को भी यहाँ पे काफ़ी मदद है, और यहाँ पर इतने छक्के चौके नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये मैच क्यों है ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा मैच? क्योंकि पहली चीज़ इसमें आ रही है क्रेडिट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सो जो मैच में क्रेडिट की आपको प्रॉब्लम आती है वो ग्रैंड लीग के लिए अच्छा बन जाता है। दूसरी चीज़ कि इस मैच के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो लोग मिस कर रहे हैं, जैसे बटलर है, नारायण है, रसल है, ये मैच विनर प्लेयर्स हैं, और इनका सिलेक्शन सिर्फ 50-50% है। तीसरी चीज़, लोगों का जो 50-60% लोगों का कैप्टन जो है वो है स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन। नो डाउट वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों, और अमेजिंग फॉर्म से हैं, लेकिन उनके मैचेस जहाँ पर हुए हैं वो बिल्कुल ही फर्श विकेट था, मतलब कि इतनी छोटी बाउंड्री और इतना विकेट बहुत अच्छा बैटिंग के लिए, इसीलिए आज वो दूसरे विकेट पर खेलेंगे। यहाँ पर बड़ी बाउंड्रीज हैं तो ऐसा नहीं है कि छक्के मारना इतना ईजी होगा, या आज आपको इतने छक्के देखने को मिलेंगे जितने लास्ट के दो मैच राजस्थान के लिए मिले हैं। सो चलिए हम चलते हैं ड्रीम इलेवन पर। देखो यार, ड्रीम इलेवन में हमारे पास ना विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है सैमसन, एक है बटलर, एक है कार्तिक। अब देखो सैमसन का सिलेक्शन हो गया है 88%, लेकिन ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं। सो अगर ये बैटिंग से फ्लॉप होते हैं सो ये कैचेस फिर शायद एक आधा ही कर पाएंगे, मतलब फील्डर बहुत अच्छे हैं लेकिन फील्डिंग में इतना चांस नहीं मिलता है। सो बटलर जो है वो विकेट कीपिंग से पॉइंट्स देंगे, कार्तिक भी आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे। सो सैमसन इज़ अ मस्ट पिक आप, लेकिन अगर आप स्मॉल लीग में खेल रहे हो सो एक अच्छा ऑप्शन है, और यही मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में खेल रहे हो सो अगर आप रिस्क लेते हो और आप जिस टीम में सोच रहे हो कि बटलर को कैप्टन बनाया जाए सो उस टीम में चाहो तो आप सैमसन को ड्रॉप किया जा सकता है। दिस इज़ अप टू यू, क्योंकि देखो दो मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इनका मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये इस सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इन्होंने ना लॉकडाउन में
एक स्पेशल कुक भी रखा था जो इनकी कैलरीज को देखकर, मतलब इतना खाना है इतना करना है। ये मैच से पहले इनका इनका कहना था कि आईपीएल से पहले ये बिल्कुल फिट होकर जाना चाहते हैं। तो और इन्होंने बहुत मेहनत करी और वो ही रिजल्ट जो है हमें दिख रहा है। सो आपके लिए सैमसंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इवन दो इन्होंने लगातार 2 मैच में रन किया है, आप फिर भी इन्हें कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी 2-3 मैच में जब लगातार बंदा बहुत अच्छे परफॉर्म करता है सो तीसरा मैच उनका बेकार जाता है, ऐसा होता है। जैसे मैंने दिल्ली डेयर डेविल्स वाला मैच था जो मेरा, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स का जो मेरा मैच था, उसमें मैंने ग्रैंड लीग विन करी, मेरी रैंक 1 और 2 आई। फिर जो नेक्स्ट मैच हुआ कोलकाता वाला, मेरी रैंक 3 और 4 आई। उससे अगला मैच जो था, मैं यानी कि मेरे 2 मैच बहुत अच्छे गए, उसके बाद नेक्स्ट मैच में मैंने नहीं विन किया। सो ऐसा नहीं होता कि जो प्लेयर लगातार कर रहा है उसका भी एक बैड एकदम से फॉर्म गिरती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज है, लगातार आप बहुत टाइम तक अच्छा नहीं कर सकते, एकदम से गिरावट आती है। सो सैमसन एक काफ़ी अच्छी पिक है, लेकिन बटलर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पिक है आज के मैच में। रीज़न इज़ एक तो विकेट कीपर ओपन कर रहे हैं सिर्फ सिलेक्शन, और ये मैं जो अभी मैं बात कर रहा हूँ यार, मैं ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये प्लीज़ इसे स्मॉल लीग में ऐसा ना करना, स्मॉल लीग में आप सैमसंग को ड्रॉप करके बैठ जाओ। ये सारी जो अभी के लिए जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैं आपको ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ। सो बटलर जो है, बटलर का मैं बता देता हूँ कि बटलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीज़न एक तो लोग इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि 51% है, एक ओपनर वो भी कीपर, और वो भी आज के टाइम पे जहाँ पर कीपर इतने पॉइंट्स दे रहे हैं, और ओपनर मुझे लगता है कि बहुत रिस्की होता है एक ओपनर को ड्रॉप करना, और वो भी मैच विनर जैसा कोई बटलर प्लेयर, मतलब अमेजिंग। सो इनको मुझे लगता है ये ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। हाँ पिछले मैच में रन नहीं करे, और बटलर एक अच्छे प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि लोगों को इन्हें कंसीडर करना चाहिए। उससे भी बड़ी ग्रैंड लीग पिक जो है वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक लास्ट ईयर जब इनके अगेंस्ट खेले थे, आरआर के अगेंस्ट, 97 नॉट आउट करके आए थे। सिलेक्शन रेट 39%, विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स देंगे। इस सीज़न में आपने देखा है कि दिनेश कार्तिक आप अपने आप को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको अलग अलग चीज़ें और कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि दिनेश कार्तिक को कैप्टन बनाना, उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि आपको वाइस कैप्टन या कैप्टन शुभमान, मतलब वाइस कैप्टन जो है शुभमान गिल को ना बनाना, और रिस्क लेना चाहो तो शुभमान गिल को चाहे ड्रॉप कर देना। उसका रीज़न ये है कि देखो, ओपनिंग कर रहे हैं दिनेश कार्तिक और सुनील नारायण, ये दोनों में से जो पहले आउट होएगा, सपोज करो आउट होता है पहले नारायण, सो 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे नितिश राणा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। लेकिन अगर आउट होता है शुभमान गिल, जैसे फर्स्ट मैच में हुआ था, तो जब शुभमान गिल फर्स्ट आउट हुआ था सो पहले या फिर आए थे दिनेश कार्तिक, यानी कि लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन ये टीम चाह रही है कि वो बनाकर रखे। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर शुभमान गिल पहले आउट होते हैं सो हो सकता है हाई चांसेस हैं कि 1 डाउन बैटिंग करने कार्तिक आ जाएं, और अगर आउट होते हैं पहले सुनील नारायण सो उस सिनेरियो में मुझे लगता है नितिश राणा जो है वो 1 डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। सो कार्तिक इंपॉर्टेंट पिक होगी मुझे लगता है आज के मैच में, और अच्छा कर सकते हैं, और कंसिस्टेंटली इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है परफॉर्मेंस का। वो तो लकीली ये लोग लास्ट मैच जीत गए, वरना ऑलरेडी बात हो स्टार्ट हो चुकी है कि मॉर्गन कैप्टन क्यों नहीं है और दिनेश कार्तिक कर क्या रहे हैं। इसी वजह से इस सीजन में अपने आप को प्रमोट करके थोड़ा प्रूव भी करना चाह रहे हैं। बैटिंग सेक्शन से यार बहुत सारे पिक्स नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, गिल है, स्मिथ, मॉर्गन और उथप्पा, ये 4 ही प्लेयर हैं। सो ऐसा मतलब, और 4 में से यही 3 है जो गिल, स्मिथ और मॉर्गन, सबको ही पता है। गिल जहाँ पे मैंने पिछले मैच में बताया था मुझे ग्रैंड, जो मेरी रैंक 3 आई है उसमें मेरे कैप्टन यही थे, रैंक 4 वाली में भी यही था, और मैंने आपको बताया था कि ये कितना स्पेशल प्लेयर है और कितना टैलेंटेड है, और ये सेंचुरी भी मार सकता है। पिछले मैच में बहुत अमेजिंग इनिंग खेली, अब लोगों के फेवरेट बन गए हैं। सो अमेजिंग प्लेयर, आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस, ये कंसिस्टेंट प्लेयर है, ये आपको लगातार रन करके दे सकते हैं, सो एक अच्छी पिक है। स्मिथ की बात करूं, दोनों मैच में ओपन करके बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। देखो इस मैच में ना यार काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट हैं। अगर आप देखो संजू सैमसन काफ़ी अच्छे रन करते हैं लगातार आईपीएल में, शुभमान गिल भी कंसिस्टेंट हैं डोमेस्टिक सर्किट में। ये लास्ट ईयर तक ये कोलकाता में नीचे बैटिंग कर रहे थे, बट इन्हें बहुत हाईली रेट किया जाता है डोमेस्टिक सर्किट में, और हर बड़े से बड़ा क्रिकेटर इन्हें देखना चाहता है, और ये फ्यूचर होंगे इंडियन क्रिकेट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मिथ है, ये भी लगातार आपको देखते हो ओपन पे आ रहे हैं अब तो, सो और चांस हो रहा है इनका, सो ये बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे पिक हैं ये। मॉर्गन की मैं बता दूं, मॉर्गन यार 2nd डाउन या 3rd डाउन बैटिंग करेंगे,
और ये जितनी देर खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। इनका ये कभी नहीं होता, आप देखोगे कि मॉर्गन 20 बॉल पे 10 रन खेल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जितनी देर खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, लास्ट मैच में भी कुछ 42 रन करके आए हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है, इसी वजह से इनका जो सिलेक्शन रेट है वो 92-91-81% है। रॉबिन उथप्पा की बात करते हैं, सो रॉबिन उथप्पा एक अच्छे प्लेयर हैं, केकेआर के अगेंस्ट ही कितने टाइम से खेले हैं। सो एक ना एक हमेशा एक चीज़ रहती है मेरे भाई, अगर सपोज करो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मेरा आज मैच है, मेरा मैच है अगर किसी ऐसे बंदे से, किसी और से, मतलब इतने कोई मेरी जान पहचान नहीं है, सो एक वो नॉर्मल मैच होगा। लेकिन एक मेरा मैच है मेरे ही दोस्त के अगेंस्ट, सो मैं उस मैच में ज़्यादा परफॉर्म करना चाहूँगा, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। सो अगर देखा जाए सो कोलकाता के अगेंस्ट है, कोलकाता ने इन्होंने ट्रेड कर दिया था, सो इसी वजह से ये इस सीज़न में जो हैं वो खेल रहे हैं आरआर से, राजस्थान से। सो मुझे लगता है कि उथप्पा काफ़ी अच्छा करना चाहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन्हें इतना मैच टाइम मिल नहीं रहा है, मतलब इतना इन्हें मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि ओपनर और मतलब स्मिथ और सैमसन ही पूरे पूरे ओवर खेल रहे हैं। सो लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, अगर इन्हें जिस मैच में भी जल्दी चांस मिल गया सो उस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक जायसवाल मुझे नहीं लगता आज का मैच खेलने वाले हैं, खेलते हैं तो बहुत अमेजिंग प्लेयर आपके लिए हैं और आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। एक प्लेयर जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑफ स्पिनर जो जयदेव उनाडकट की जगह खेल सकते हैं, वो है अनिरुद्ध जोशी। ये एक ऑफ स्पिनर है और बैटिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं, अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो इन्हें हाँ ले सकती है, उस केस में ये काफ़ी अच्छा प्लेयर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे बॉलर है, बट एक ऑफ स्पिनर है और एक ऑलराउंडर है, जेन्युइन जैसे अभिषेक शर्मा टाइप वाला आप समझ सकते हो। दो अभिषेक शर्मा जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, बट एक मैं बता रहा हूँ कि वैसे एक थोड़े हैं ये, और आपको एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और कोई खेलने के चांस नहीं है। आप लोग ग्रैंड लीग में क्या कर सकते हो, देखो शुभमान गिल को ड्रॉप करना मुझे लगता है रिस्की ही रहेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, देखो हमने 3 बैट्समैन लेने हैं मोस्टली ये इस सेक्शन से, सो हम जो सबकी पिक है वो यही है और यही राइट पिक भी है इस मैच की, गिल, स्मिथ और मॉर्गन, ये बेस्ट पिक हैं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, देखो अगर आप गिल को उथप्पा को लेना चाहते हो, हम उथप्पा किस सिनेरियो में हमें लेना चाहिए, हमें पॉइंट सेव करने होंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। सो देखो अगर गिल 8.5 क्रेडिट का प्लेयर है और उथप्पा भी 8.5 क्रेडिट का प्लेयर है, उथप्पा की बैटिंग का कुछ कंफर्म नहीं है, थर्ड डाउन भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, शुभमान गिल ओपन कर रहे हैं, सो इन्हें ड्रॉप करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बनता है। आप एक दो टीम में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, इवन दो हो सकता है कि शुभमान गिल फ्लॉप हो जाए, ठीक है, और उथप्पा 20-30 रन कर दें, लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, मतलब करेगा लेकिन आपको वो रिस्क ज़्यादा बड़ा है रिवॉर्ड से बड़ा। लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है स्मिथ को ड्रॉप करके उथप्पा को, अगर आपको लगता है आज स्मिथ नहीं चलेंगे जो बहुत अमेजिंग फॉर्म में है, बट ध्यान रखो कि जो विकेट थे वो बहुत अच्छे विकेट थे, यहाँ पर आज आपको ऐसा विकेट नहीं मुझे लगता देखने को मिलेगा जहाँ पर 200-200 इतने बनेंगे। हाँ आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, आपने देखा है तेवतिया ने 5-5 छक्के मारे हैं, सो आप कुछ भी हो सकता है इस आईपीएल में, लेकिन जो करंट सिनेरियो है, जो पिच रिपोर्ट है, दुबई में इतने रन देखने को नहीं मिलेंगे, 160-170 वाला विकेट यूजुअली रहता है, सो आप इतने रन उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मिथ को रिस्क लेकर उथप्पा को लेते हैं सो ये मुझे लगता है बेटर एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उससे आपका क्रेडिट 1.5 क्रेडिट बच जाएगा, 1.5 पॉइंट आपका क्रेडिट बचेगा जो आपके लिए काम आ सकता है। सो अगर आपने कोई बैटिंग सेक्शन में रिस्क लेना है सो मेरे हिसाब से वो स्मिथ को ड्रॉप करके आप उथप्पा ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। वो सिर्फ उस सिनेरियो में आप उथप्पा से ऐसा उम्मीद ना करो कि वो 70-80 रन बनाएंगे, प्लेयर वो हैं उस कैलिबर के, लेकिन इन्हें लोअर हिटिंग में ही, मतलब लोअर ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, सो ये शायद उतना चांस ही ना मिले इतना रन बनाने का। लेकिन हाँ 20-30 रन अगर जितने भी चांस मिलता है प्लेयर अच्छे हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है स्मिथ आज फ्लॉप हो जाएंगे तब आप क्या कर सकते हो, आप उथप्पा ले लो, आपका क्रेडिट मैनेज हो जाएगा उससे। हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर में तेवतिया आप देख लो कि तेवतिया का ये होता है जब दिन बदलते हैं ना भाई, तो ऐसा होता है फर्स्ट मैच में इनका सिलेक्शन कुछ भी नहीं था और मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, ग्रुप में ही बताया था, ये प्लेयर बहुत अच्छा है, 3 विकेट लेकर गया। नेक्स्ट मैच में मैंने इन्हें नहीं लिया था, रीज़न था, और आज भी मैं कहूँगा कि ये आज भी मस्ट ट्राई पिक नहीं है आपके लिए, आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। रीज़न है क्योंकि आरआर ने जो पिछला कॉम्बिनेशन लास्ट मैच में जो कॉम्बिनेशन खिलाया था, आरआर राजस्थान वो एक्स्ट्रा बॉलर के साथ गई थी, सो उस सिनेरियो में तेवतिया आपको 4 ओवर नहीं करके देंगे, लास्ट मैच में इन्होंने सिर्फ 1 ही ओवर किया। सो अगर सेम कॉम्बिनेशन राजस्थान लाती है सो ये 4 ओवर नहीं करेंगे, उस सिनेरियो में हो सकता है ये 2 ओवर
एक ओवर तीन ओवर डिपेंडिंग के कैसा करते हैं और दूसरे बॉलर कैसा करते हैं वो करेंगे। अब लास्ट मैच में फट इन्होंने फिर इतने छक्के मारे और इतना कम बैक किया। इन्होंने देखो यार मेहनती प्लेयर है और इन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया है, मतलब बहुत इन्होंने कैंप में काफ़ी पसीना बहाया है और वो रिजल्ट मिल रहा है। सो एक अच्छी पिक है आपके लिए। और आप इनका क्या है कि इन्होंने फर्स्ट मैच में दिखाया कि ये बॉलिंग से विकेट ले सकते हैं, सेकंड मैच में भी दिखाया आपको ये बैटिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा, ये ऐसे प्लेयर हैं ये किसी भी मैच में यूजलेस भी जा सकते हैं कि बैटिंग इतनी आई नहीं, आई तो 5-10 रन वाली बैटिंग आई कि लास्ट के एक दो ओवर में, और बॉलिंग इन्हें हो सकता है मिले ना, या मिले तो एक दो ओवर और वो भी आराम से टीम निकाल दे, क्योंकि वैसे भी सामने जो टीम है उन पे लेफ्ट हैंडर्स इतने हैं कि ये लेग स्पिनर हैं। सो हो सकता है इतने ओवर ट्राई ना किए जाएं, बट ये आपके ऊपर है। क्रेडिट पिक बहुत अच्छी है क्योंकि 8.5 क्रेडिट में आपके लिए मिल रही है। हम बात करें रसल की। अब देखो यार, रसल जो है ओवर डाल रहे हैं एंड में एक या दो, और वो ओवर डाल रहे हैं 19वां, और उसमें हर मैच में एक में हिट विकेट हुआ है इनका, इन्हीं को ही वो विकेट मिला है। सेकंड मैच में इन्होंने एक बिमर टाइप मारी थी फुल टॉस, और मनीष पांडे ने इन्हें ही बिल्कुल कैच जैसे ले भाई प्लेट में रखा हुआ कैच इन्हें दे दिया। तो लेकिन विकेट्स ले रहे हैं बात ही है, और अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती है सो इनके बैटिंग आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो उस सिनेरियो में रसल इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सिलेक्शन इनका बहुत कम है अभी तक, हमें रसल वाली इनिंग्स हमें देखने को नहीं मिली है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो ये आपको अच्छे पिक हैं। अनदर गुड पिक है सुनील नारायण। नारायण का सिलेक्शन देखो, एक मैच में कोई लास्ट मैच में शायद इनका 90% होगा मुझे लगता है, लोगों के कैप्टन भी होंगे 20% लोगों के, एक मैच बेकार गया सो एकदम से ड्रॉप हो गया, 48% इनका रह गया। सो अच्छी पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। रसल नारायण दोनों ही काफ़ी अच्छे पिक आपके लिए होने वाली है। और लोग जो हैं, मैं जैसा आपको बता रहा था कि काफ़ी लोग जो हैं इन दोनों को, मैंने जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बताता हूँ, वो ये है कि रसल नारायण और बटलर, इन लोगों को लोग साथ नहीं ले रहे हैं, वो मैं बताऊंगा अभी जब सब हम एनालिसिस कर लेंगे फिर बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आप लोगों के लिए। सो ये नोट ज़रूर करना ये चीज़। सो नारायण जैसे मैंने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ओपन करते हैं चार ओवर करके देंगे। सो ऐसा प्लेयर जो ओपन कर रहा है जबकि इनकी बैटिंग कोई ऐसी नहीं है कि हाँ CPL में काफ़ी अच्छा खेले, बट IPL में भाई सामने आज जोफ्रा आर्चर भी होगा, वो भी हमें देखना है। सो जोफ्रा आर्चर इन्हें जल्दी आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 15-20 रन भी करके दे दें और एक दो विकेट, सो आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक बन जाती है। और नितिश राणा की बताऊँ, सो नितिश राणा एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर सुनील नारायण फ्लॉप होता है, सपोज़ करो आप सुनील नारायण को अपनी टीम में नहीं ले रहे हो किसी भी रीज़न से, फिर आपको नितिश राणा ज़रूर ट्राई करने चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि अगर बैटिंग से फ्लॉप होते हैं नारायण, सो नारायण की जगह वन डाउन पे नितिश राणा ही बैटिंग करने आएंगे। सो नितिश राणा ने दोनों मैच में कुछ 24-26 रन बनाए हैं, सो अच्छे टच में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक लंबी इनिंग कभी भी आ सकती है, ध्यान रखना इस बात का। सो अच्छे प्लेयर हैं, ट्राई कर लेना। रायन प्राग की बात करूं, ये प्लेयर टैलेंटेड बहुत है, सिलेक्शन बहुत ही कम है, लेकिन अब क्योंकि ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं उस वजह से इनका सिलेक्शन कम है, और बैटिंग से भी इतना चांस नहीं मिल रहा है। लास्ट सीजन इन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों करी थी और काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया था। सो ये बॉलिंग कर सकते हैं, और किसी भी मैच में अगर बॉलिंग कर गए और एक दो विकेट ले गए, सो आपको ऐसा प्लेयर एकदम ग्रैंड लीग विन करा सकता है। वैसे आप चाहो तो इन्हें अवॉइड कर सकते हो क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ जो रिस्क लेते हैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। बॉलर की बात करूं, बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्चर तो आपको पता ही है आजकल बैटिंग से भी छक्के लगा रहे हैं और एक ऑलराउंडर का काम आपको करके दे रहे हैं, सो इम्पॉर्टेंट पिक। पैट कमिंस इज सेम थिंग फॉर मी कि ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आपको प्रॉपर बैटिंग करके देते हैं। बुमराह को 4 छक्के लगाए थे, सो आप देख सकते हो। और पिछले नेक्स्ट मैच में, मतलब लास्ट मैच में, फर्स्ट मैच में इन टॉप स्कोरर जो कोलकाता का रहा था वो पैट कमिंस रहा था, सो ध्यान रखना। और ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर कैचेस इन्हें मौका मिलता है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे अच्छे फील्डर भी हैं और बैटिंग बॉलिंग हर जगह से पॉइंट्स दे सकते हैं। शिवम मावी, पहले हम बात कर लेते हैं RR के बॉलर्स के बारे में। टॉम कुरन जो है बहुत अच्छे ऑलराउंडर ही हैं, BBL में ऑलराउंडर कैटेगरी में ही होते हैं बिग बैश में, और बैटिंग कर सकते हैं, और ये मोस्टली डेथ ओवर डालते हैं जहाँ पर विकेट लेने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पिक रहता है, इन्हें ट्राई कर लेना। बात करते हैं श्रेयस गोपाल की। गोपाल यार अल्टीमेट बंदा, मतलब अल्टीमेट लेग स्पिनर है, अभी तक इन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला है जो ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ये लेग स्पिनर हैं। आज इतने शायद क्योंकि इतने लेफ्टी हैं, सो शायद इतने अच्छे ना हों,
कंसीडरिंग अगर इनके सामने राइट ही आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे मतलब स्पिनर हैं, मैं इन्हें बिल्कुल ट्राई करूंगा और मैं चाहूंगा आप लोग भी इन्हें ट्राई करो, अपनी टीम में ज़रूर ले लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ ना बनाओ वो आपके ऊपर है, बट ये वो बॉलर है जो आपको 2-3-4 विकेट एकदम लेके दे सकता है। अंकित राजपूत ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, डेथ में भी करी, और एक अच्छे ऑप्शन हैं और यूपी से खेलते हैं, काफ़ी अच्छा इनका नाम है डोमेस्टिक सर्किट में और एक एक इम्पॉर्टेंट पिक आपके लिए हैं। अब हम बात करते हैं जयदेव उनादकट की, बहुत पिटाई हुई है, अगर खेलते हैं तो ट्राई कर लेना और मुझे लगता है सीधा फिर कैप्टन ही बना देना यार, इतना अगर रिस्क लेना ही है तो, वरना इन्हें ट्राई मत करना, क्योंकि यार बहुत अच्छी बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब लोगों का विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब प्लेयर परफॉर्म कर जाता है। सो वही चीज़ होती है कि मैंने आपको 2-3 मैच अपने स्टार्टिंग के अच्छे नहीं गए आईपीएल के, मैंने आपको टीम बना कर दी, उस टीम में सिर्फ 1-2 लोगों ने खेला और हम लोग वही मैच ग्रैंड लीग विन करके गए। अब तब से जब से 2-3 दिन पहले, अब तब से लोग फिर नेक्स्ट मैच से सभी टीम लगा रहे हैं। सो जो जिस पर भरोसा करेगा वो ही विन करता है भाई, अपने प्लेयर्स पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। जयदेव उनादकट इस टीम में बहुत पुराने प्लेयर हैं, आरआर के में काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, बॉलर अच्छा है, ठीक है पिटाई हो रही है, खेलते हैं सो ट्राई कर लेना, ऐसा ना करना कि ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि जो लोग आप किसी प्लेयर को इग्नोर करते हो वो ही चलता है, आप देख लेना ये बात। नागर कोटी, अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता की, कोलकाता में हैं 7 बॉलिंग ऑप्शंस, ये हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। हमारे पास नारायण हैं, रसल हैं जो ऑलराउंडर हैं, बाकी हमारे पास पैट कमिंस, मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और नागर कोटी हैं। अब हमारे पास जब 7 बॉलर हमारे पास आ गए हैं, यानी कि किसी ना किसी के ओवर कटेंगे। सो हमारे पहले हम बता देते हैं कि कौन से प्लेयर जो हम गैस कर सकते हैं, मुझे लगता है पैट कमिंस और सुनील नारायण जो हैं 4-4 ओवर करने वाले हैं। सो अब बचे 12 ओवर, ये दोनों जो हैं ये करने वाले हैं। सो पैट कमिंस भी हो गया और साथ ही साथ पैट कमिंस हो गया और सुनील नारायण हो गए, अब बचे हमारे पास 5 बॉलर और 12 ओवर। अब रसल के हम मान के चल लो 1-2 ओवर रसल के मान के चलो आप, क्योंकि बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है आज भी 1-2 ओवर करेंगे ही, और वो भी डेथ में। सो आपके लगभग 10 ओवर बचे हैं और आपके पास 4 बॉलर हैं। अब हम मावी की बात करते हैं, मावी ने फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग करी, विकेट्स लिए, लेकिन लास्ट मैच में इतना ट्राई नहीं किया इन्हें, सो रसल को ओवर कराया जबकि और बॉलर्स थे, सो इन्हें ट्राई नहीं किया गया। और कमलेश नागरकोटी, ये दोनों सेम लेवल के बॉलर हैं, नागरकोटी को बताऊँ ये बहुत, जितने भी क्रिकेटर्स हैं बहुत एक्साइटेड हैं इस प्लेयर को देखने के लिए। लास्ट मैच में बॉलिंग अच्छी करी थी बट ओवर ही 2 ही मिले थे शायद, तो आप क्या करना अगर नागरकोटी को ट्राई कर रहे हो सो मावी को ट्राई मत करना, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि इनमें 7 बॉलर्स हैं सो इनमें से कोई एक जो है वो ज़्यादा डालेगा एक कम डालेगा। अगर मावी अच्छी कर रहे हो इसे मावी को ज़्यादा ओवर मिलेंगे, नागरकोटी को अच्छी कर रहा हुआ सो नागरकोटी को मुझे लगता है अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। अगर देखो कुलदीप यादव 4 ओवर डालते हैं सो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती 2 डालेंगे, और अगर वरुण चक्रवर्ती 4 डाल जाएंगे सो मुझे लगता है 2 ओवर तब डालेंगे कुलदीप यादव, क्योंकि 7 बॉलर हैं, सेफ ऑप्शन जो रहेगा वो ये है, राजस्थान के जो बॉलर्स हैं वो लगभग 4-4 ओवर पूरे कर रहे हैं, और कोलकाता में ऐसा है कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो आपको 2-2 ओवर करके देंगे, सो इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के मैच में कि ओवर कौन कितने करेगा, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बॉलर्स हैं वो कम ओवर करते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन विकेट अगर लेंगे सो वो ज़्यादा ही करेंगे, अगर विकेट नहीं लिए सो उनके ओवर कट जाएंगे, सो ये आपने अब देखना होगा। एक चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ये था, बटलर, रसल और नारायण। देखो अगर हम एक नॉर्मल टीम बनाने की कोशिश करते हैं सो लोग सैमसन लेंगे, यहाँ से ये तीनों लेंगे ही लेंगे, यहाँ से तेवतिया लेंगे, बॉलिंग से कमिंस और क्राइड मेंटेन करने के लिए मैं लगता है टॉप 4। अब देखो 2 ऑप्शन आपके पास, ये एक बेसिक टीम है जो मोस्टली लोग क्रिएट करने वाले हैं आज के मैच में। आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, 20 पॉइंट, आप यहाँ से हो सकता है यहाँ से भी टॉम कुरन की जगह कोई 8 क्रेडिट वाला वरुण चक्रवर्ती को ट्राई करके। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से रसल और नारायण ले लिया या बटलर और यहाँ से नारायण ले लिया, मतलब एक तीनों में से कोई एक ना एक प्लेयर हर कोई टीम में छोड़ रहा है, मतलब कि नारायण, रसल और बटलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बटलर आप किसी भी सिनेरियो में देख लेना, बहुत ही रेयर प्लेयर होंगे जिन्होंने स्टडी करी होगी वो ये ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, बटलर, नारायण
और रसल का कॉम्बिनेशन एक टीम में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए डेडली हो सकता है। आपने क्रेडिट मैनेज करके, अगर आपको लगता है तीनों चलेंगे और अच्छा करेंगे, आप वैसे भी, आपको मुझे लगता है ग्रैंड लीग में जब आपने रिस्क लेना है, और ये तो यार सेफ प्लेयर है, इन पे तो ये भी नहीं कह सकते हम रिस्क हैं, आप इनको ले, बिल्कुल ले, और इन्हीं को ही फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, स्पेशली रसल और बटलर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये ही हैं जो 10.5 क्रेडिट के प्लेयर हैं और लोग इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा रसल का भी सिलेक्शन 55 है और बटलर का भी 51 है, सो यानी कि आधे लोगों ने उधर पिक किया होगा, आधों ने इधर पिक किया होगा, मोस्टली ऐसा ही सिनेरियो हमारे लिए बन रहा है। आप मुझे लगता है इन दोनों को जो है आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, और इनको कैप्टन वाइस कैप्टनशिप भी दे सकते हैं, बटलर रसल और नारायण का तीनों का एक टीम में कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करना, कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप आपके ऊपर है, आप किसे देना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ये वो मैच है कोलकाता का जो लास्ट मैच हुआ था जब मेरी रैंक 3 और 4 आई थी, इससे एक दिन पहले मैं दिल्ली डेयरडेविल्स वाले मैच में जो है मेरी रैंक 1 आई थी, और वही टीम मैंने उस दिन हमने मिनी जीएल वगैरह सब विन किया था, और मैंने टीम भी शेयर करी थी जो, और उसी से ही मिनी जीएल और जीएल जो है विन हुई थी, सो काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहा था। अब देखते हैं आज का मैच कैसा जाता है, आपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, फैंटेसी फॉर्च्यून सर्च कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि ऐसे ट्रिक्स, यार देखो कोई नहीं बताता आपको, लोग वीडियो बना देते हैं कि इसने उसके अगेंस्ट ऐसा किया है, या फिर ये इनका जो पूरा करियर स्टैट्स है वो ये है कि इन्होंने 100 मैच में इतने रन बनाए हैं, उससे कुछ नहीं होता आजकल, उन चीज़ों से स्टैट्स कुछ मैटर नहीं करते आज के टाइम में, स्पेशली इंटरनेशनल मैचेस में बिल्कुल करते हैं। आईपीएल में क्या स्टैट्स यार, जब तेवतिया कॉकट्रेल को 5 छक्के मार सकता है, आर्चर एक लगातार 4 छक्के लुंगी एंगीडी को मार सकता है, सो भाई यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। अगर स्टोइनिस लास्ट में क्या था, दो विकेट लगातार लेकर सुपर ओवर करा सकता है, मयंक अग्रवाल का और एक और किसका लिया था एंड में लास्ट बॉल पे, है ना, सो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और देखना बहुत चीज़ें होंगी यहाँ पर, सो यहाँ पर इतने स्टैट्स मैटर नहीं करते, यहाँ पर मैटर करती है स्ट्रैटेजी, आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हो वो ही मैटर करता है। अगर आप सोचोगे कि ये बॉलर इसके अगेंस्ट अच्छा करता है, सो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है वो विकेट लेगा, सो आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें होंगी आईपीएल में, और इसीलिए ही यही एक्साइटमेंट है आईपीएल का। सो आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी बता सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है सो लाइक करके बताओ, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी वीडियो लगी, और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज़।